और चलिए अब वक्त है इस वक्त की बड़ी जानकारी का। एक बड़ी खबर सामने आई है, सीधा उससे आपको रूबरू करवाएंगे, सोनीपत से जुड़ी। दरअसल कोरोना का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनीपत जिले से कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सोनीपत में 47 नए केसेस सामने आए हैं। सोनीपत जिले में देखिए 47 नए केसेस, जिले में कोरोना से एक और व्यक्ति की जान जा चुकी है। लगातार हरियाणा में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। और सोनीपत जिले की अगर बात करें तो 29 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। एक मौत का आंकड़ा आज ही वहां पर बढ़ा है। 47 नए केस मिले, जिले में अब कुल संख्या 2536 तक पहुंच गई है। अब तक 1807 लोग ठीक भी हुए हैं हालांकि, लेकिन फिर भी लगातार बढ़ते हुए कहर ने लोगों की परेशानियां बढ़ा रखी हैं, क्योंकि हर दिन नए मामलों की पुष्टि वहां पर हो रही है। एक्टिव केसेस की संख्या भी सोनीपत जिले में बढ़कर अब 700 तक पहुंच गई है। तो सोनीपत में लगातार कोरोना वायरस का कहर जारी है और बढ़ते हुए कोरोना के मामले परेशानी का सबब आम लोगों के लिए बने हुए हैं। आपको बता दें कि 47 नए मामलों की पुष्टि के बाद अब 700 तक सोनीपत जिले में एक्टिव केसेस की संख्या पहुंच गई है। और अगर कुल मामलों की बात करें तो यह आंकड़ा 2000 के भी पार हो चुका है। कोरोना से एक और व्यक्ति की जान भी जा चुकी है। आपको बता दें अब तक कुल मौत का आंकड़ा 29 तक पहुंच गया है सोनीपत जिले में। सोनीपत जिले में हर दिन नए मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और हर दिन बढ़ते हुए नए मामलों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। देखिए रेवाड़ी से भी बड़ा अपडेट सामने आया है, कोरोना को लेकर बड़ी खबर रेवाड़ी जिले से। रेवाड़ी में 10 और नए मामलों की पुष्टि हुई है। रेवाड़ी में भी मामले बढ़ते हुए लगातार सामने आ रहे हैं। 10 और नए मामले मिले, 1100 के पार जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1100 के पार। देखिए कोरोना का आतंक किस कदर रेवाड़ी जिले में भी लगातार देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा रेवाड़ी जिले में 1103 तक पहुंच गया है और एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो 424 तक एक्टिव केसेस पहुंच गए। 10 मामले नए मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या में उछाल, 424 तक के आंकड़े पहुंच गए हैं। 8 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है रेवाड़ी जिले में। कोरोना का बड़ा अपडेट रेवाड़ी जिले से आपको बता रहे हैं, जहां पर हर दिन नए मामलों की पुष्टि के बाद अब संक्रमितों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला है। 10 और नए मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए मेरे साथ रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ जुड़ रहे हैं और दीपक वर्मा सोनीपत से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सोनीपत का रुख मैं करूंगी। दीपक, सोनीपत के ताजा हालात क्या कहते हैं, क्योंकि हर दिन नए मामलों की पुष्टि हो रही है। 47 नए मामले मिलना अपने आप में परेशानियां बढ़ा रहा है सोनीपत जिले की। जी बिल्कुल, कुछ दिनों से लगातार सोनीपत में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आए दिन 50-60 केस आ रहे हैं, कल भी 47 केस नए सामने आए थे, जिसके बाद सोनीपत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2536 हो गई है। यह संख्या काफी बड़ी है सोनीपत जैसे जिले के लिए। इसके अलावा हालांकि जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छा होता जा रहा है। सोनीपत में कल 77 लोगों ने रिकवर किया था, जिसके बाद सोनीपत में जो रिकवर करने वाले लोगों की संख्या वो 1807 हो गई है। एक्टिव केस की बात करूं तो सोनीपत में 700 कुल एक्टिव केस हैं अभी, लेकिन जो सोनीपत की स्थिति है उसको लेकर 700 एक्टिव केस भी काफी ज्यादा ही लगते हैं सोनीपत को लेकर। लेकिन आए दिन जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उस तरह से लग रहा है कि सोनीपत जल्द ही 3000 का आंकड़ा भी छू लेगा। और जिस तरह से जुलाई में इस कोरोना कांड की बात बताई जा रही थी कि जुलाई में कोरोना केस काफी कम हो जाएंगे, जुलाई खत्म होते होते, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा अभी मौजूदा स्थिति को लेकर। जी दीपक, वापस आपका रुख करूंगी। सुरेंद्र भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेवाड़ी से। सुरेंद्र, अगर शुरुआती दौर की बात की जाए तो हरियाणा प्रदेश में रेवाड़ी एक ऐसा जिला था जहां पर कोरोना का एक भी केस नहीं मिला था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो रेवाड़ी में कोरोना का आतंक लगातार फैलता जा रहा है। अब ताजा हालात क्या कहते हैं रेवाड़ी के, क्या तैयारियां प्रशासन की? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे थे कि जब प्रदेश में कोरोना का कहर जारी था तो रेवाड़ी जिला एक महफूज जिला था जहां कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज नहीं था। लेकिन जैसे जैसे यहां कोरोना ने दस्तक दी तो अब ये चैन टूटने का नाम नहीं ले रही। लगातार जो है, अगर पिछले 15 पखवाड़े की बात करें तो लगातार ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहां यहां दर्जनों की संख्या में पॉजिटिव केस ना मिलते हों। अगर आज की भी बात करें, आज सुबह के बुलेटिन में 10 अभी तक जो है पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। अगर अभी तक की बात करें तो 1103 यानी कि 1100 का आंकड़ा भी यहां पार कर गया है। अब 1103 यहां पॉजिटिव केस है और 424 जो है एक्टिव केस है, 8 के अभी तक हो चुकी है। अगर बात करें तो प्रशासन की, तो लगातार प्रशासन इस चैन को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। अगर रेवाड़ी अरोड़ा की बात करें तो लगातार 2 दिन से यहां, आज दूसरा दिन है लॉकडाउन में, यहां जो है पूरे शहर का सैनिटाइज कराया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ आपको बताना चाहूं, प्रशासन के लास्ट प्रयास के बावजूद
जो कहीं ना कहीं लोगों की जो लापरवाही है वो सामने आ रही है और लगातार जो जिले में जो केस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, वापस आपका रुख करूंगी। दीपक, एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे अगर हम बात करें जो दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के जिले हैं, चाहे वो सोनीपत हो, झज्जर हो या रेवाड़ी हो, वहां पर लगातार मामलों की पुष्टि हो रही है, ऐसे में अब क्या इस पर ज्यादा विचार करने की जरूरत है? जी, जो सोनीपत है या जो दिल्ली से सटे हुए अन्य जिलों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण दिल्ली ही है। सोनीपत में जो अधिकतर मामले आए थे वो दिल्ली से जुड़े हुए थे, आजादपुर मंडी से जुड़े हुए थे। इसके अलावा कई ऐसे मामले भी थे जो दिल्ली में सर्विस करते हैं लोग, पुलिस कर्मचारी हैं या स्टाफ नर्स है, ऐसे लोगों के मामले जुड़े हुए थे दिल्ली से जो डायरेक्ट कनेक्टेड थे। तो अभी जो 2536 टोटल केस है, इनमें से तकरीबन 2300 से 2400 लोग ऐसे हैं जो दिल्ली से ही कनेक्टेड है, जिनकी वजह से कोरोना जो सोनीपत में एंट्री हुई है। और ऐसे में अगर अनलॉक की जैसे बात करते हैं, तो अनलॉक ने एक बड़ा वो इसमें माध्यम का काम किया है कोरोना के फैलाव का, क्योंकि अनलॉक की वजह, अनलॉक के बाद से ही जो कोरोना के केस हैं वो काफी संख्या में बढ़ रहे हैं। रोजाना 40-50 केस आ रहे हैं, कभी 90 केस आते हैं, 97 केस आते हैं। तो जो अनलॉक फेज 1 और 2 की बात करते हैं, तो इसके बाद से ही कोरोना के जो संक्रमित केसों की संख्या वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। ठीक है सुरेंद्र, देखिए कई बार कुछ तैयारियां नाकाफी जरूर लगती हैं, लेकिन अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं, एहतियात के तौर पर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर लोगों की खुद की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर रेवाड़ी जिले की बात की जाए, तो क्या लोगों ने अब कोरोना को अपने जिंदगी का हिस्सा मानकर उसको लाइटली लेना शुरू कर दिया, या अभी भी लोग उतने ही जागरूक हैं जितने शुरुआती दौर में थे? सुरेंद्र जी, अगर बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही है कि जो सरकार का जो कार्य था, प्रशासन के जो जागरूकता कार्यक्रम थे, उन्होंने सुचारू रूप से चलाए और लोगों को काफी जागरूक करने का कार्य भी किया। लेकिन उसके बावजूद अगर बात करें तो लोगों की, अगर जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, लोग बाजारों खोल दिए गए, लोगों की दिनचर्या आम लोगों की तरह हो गई, लोगों ने अपने आप को जो है महफूज करना जो है मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए लगातार जो है कोरोना के ये जो केस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर बात करें मास्क की, तो लगातार पुलिस प्रशासन मास्क न पहनने वालों के लिए चालान काट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में आप सैकड़ों की संख्या में देख सकते हैं जो लोग बिना मास्क के यहाँ जो है बाजारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जो कोरोना से पीड़ित है और घर पर उनको आइसोलेट किया गया है, देखने में ये भी आया कि वो लोग भी घर में न रुक कर बाहर जो है इसका फैलाव करने में कहीं ना कहीं जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन ने कहा है कि जो ऐसे लोग हैं जिसे घर आइसोलेट किया गया है, तो कोरोना पीड़ित है आइसोलेट किया गया, अगर वो बाहर मिलता है तो एक तो हॉस्पिटल में उसको आइसोलेट किया जाएगा, साथ ही साथ उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो चैन न करने के कारण प्रशासन भी गंभीर हो रहा है। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो कोरोना की चैन है ये रेवाड़ी जिले में कहीं ना कहीं टूटे। जी बिल्कुल सुरेंद्र, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि लोगों को यहाँ पर खुद समझने की जरूरत है। जो होम आइसोलेटेड लोग हैं वो भी अगर घरों से ऐसे बाहर निकलेंगे तो कैसे काम चलेगा? दीपक, अगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों की बात की जाए, सब्जी मंडी या मार्केट्स, वहां पर आप रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं, किस तरीके का माहौल होता है? लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां पर किया होता है? मास्क होता है लोगों के चेहरे पर? अगर स्थिति की बात करें तो बाजारों में अभी मौजूदा स्थिति काफी भयावह है। अभी जो कोरोना के बढ़ते केस है उसके बावजूद जो बाजारों में भीड़ है और जो लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क लगाने की जो नियम है उनका मजाक उड़ाना, ये सब लोगों पर ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि अभी मौजूदा समय में बाजार काफी पूरे खोल दिए गए हैं। हर दिन बाजार खुल रहा है, पहले दिनों के हिसाब से बाजार तय किए गए थे, अलग अलग ऑटोमोबाइल सेक्टर के या कपड़ों की दुकानों का या मोबाइल दुकानों का अलग अलग दिन तय किया गया था, लेकिन कुछ दिनों से बाजार लगातार खुल रहे हैं, सभी दुकानें खुली जा रही है, जिसकी बाद से बाजार में भीड़ कम होने की वजह और बढ़ गई है। और बाजारों में भीड़ का ही ये आलम है कि हर दिन किसी न किसी दुकान का चलान भी काटा जा रहा है, इसके बावजूद दुकानदार नहीं समझ रहे हैं ना ही लोग समझ रहे हैं, जिसका सीधा असर जो कोरोना के बढ़ते केसों पर देखा जा सकता है सोनीपत में, क्योंकि लगातार आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जो कि अब जुलाई के अंत तक खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही थी, जिसे वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वो अनलॉक फेज के बाद जो बाजारों की वजह से ही इसको एक जो आंकड़ा है वो बड़ा रूप लेता जा रहा है। ठीक है सुरेंद्र, रेवाड़ी में क्या है भीड़ भाड़ वाले इलाकों के हालात? क्या वहां पर लोगों ने सावधानी बरतनी अभी भी जारी की हुई है, या अभी लोग बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हैं कोरोना वायरस को, बिना मास्क के सड़कों पर नजर आते हैं? और अगर ऐसा है तो प्रशासन फिर किस तरीके से ऐसे लोगों के साथ डील कर रहा है? देखिए, लगातार कोरोना के जो संक्रमित मरीज थे लगातार बढ़ रहे, तो आज और कल यानी बीते दिन से आज रेवाड़ी और धारोड़ा को पूरी तरीके से लॉकडाउन किया हुआ है। यहाँ अभी तक जो है सैनिटाइज का शहर में कार्य चल रहा है,
धारोड़ा एक ऐसा क्षेत्र जहां औद्योगिक क्षेत्र है और लगातार जहां जो कर्मचारी है उनमें जो है कोरोना के संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ रही थी, तो वहां भी उसे लॉकडाउन किया है और जहां उसको सैनिटाइज का कार्य प्रारंभ किया गया है। अगर बात करें तो इससे दो दिन पहले की, तो लगातार प्रशासन इस बात को लेकर चिंतित था, लगातार गाइडलाइन जारी की हुई थी, लोग जो है दूरी बनाकर रखे, मास्क पहने, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रशासन के जो ये जागरूकता कार्यक्रम का पलीता लगाने का काम किया, लेकिन अब प्रशासन ने भी देख लिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी लगाम लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। पुलिस ने कई नाकेबंदी करते हुए बाजार में भी जो है गश्त कर रही है, जो लोग बिना मास्क के मिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, उनके चालान भी काट रही है। जी ठीक है दीपक, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को आंकड़ा बताएं एक बार कि सोनीपत जिले में ऐसे कितने लोग हैं जो अभी होम क्वारंटीन है और ऐसे कितने लोग हैं जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है। जी इनकी बात करूं तो तकरीबन 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो होम क्वारंटीन है। इसके अलावा जो 700 केस में बाकी केस हमारे 650 के करीब केस ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूशनल अभी क्वारंटाइन है, जिसमें खानपुर मेडिकल कॉलेज में लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। इसके अलावा जो शहर के लोग हैं वो यहाँ शहर में 2-3 हॉस्पिटल जो कोविड केयर अस्पताल बना रखे हैं वहाँ पर क्वारंटाइन किए गए हैं। तो जो क्वारंटाइन की जो होम क्वारंटाइन की अभी संख्या वो सोनीपत में कम है, क्योंकि सोनीपत में जो बेड हैं जो खाली हैं वो काफी संख्या में भी बेड खाली है, जो क्योंकि कोविड केयर हॉस्पिटल का खानपुर मेडिकल कॉलेज में पूरा अलग से हॉस्पिटल बनाया गया था। तो इसके बाद से सोनीपत में जो आईसीयू या बेड की जो सुविधा है वो काफी अधिक है, इस वजह से होम क्वारंटाइन अभी कम ही किया जा रहा है सोनीपत में और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ज्यादा है। ठीक है दीपक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।